नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज़। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद मिर्जापुर से है। थाना अहरोरा क्षेत्र अंतर्गत हुई लूट की घटना का पर्दाफाश हुआ है। दो साथी बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। कब्जे से लूट की घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा, मय कारतूस व लूट की धनराशि भी बरामद की गई है। थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर पर दिनांक 23 जून 2023 को वादी सादिक हुसैन पुत्र मकसूद हुसैन निवासी काचन थाना म्योरपुर जनपद सोनभद्र द्वारा लिखित तहरीर बाबत के पुत्र का जनपद वाराणसी के इलाज कराने के उपरांत रात्रि में घर से वापस आते समय रास्ते में चार पहिया वाहन का टायर पंचर हो गया। इसी दौरान तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कट्टा दिखाकर 18,000 रुपये नकदी आभूषण छीन लिया गया। उक्त तहरीर के आधार पर थाना अरहरा में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना आरंभ की गई। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने उक्त घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में उपरोक्त घटना को सफल अनावरण एवं घटना से संबंधित अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी तथा बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक अहरावरा को निर्देशित किया गया। उक्त निर्देश के अनुक्रम में दिनांक 6 जुलाई 2023 को थाना अहरोरा पुलिस द्वारा सुराग रसी पतासी एवं भौतिक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संग्रहित करते हुए प्राप्त सूचना के आधार पर थाना अहरोरा क्षेत्र से लूट की योजना बना रहे दो साथी बदमाशों जावेद इस्लाम निवासी दुर्गाजी पहाड़ी पट्टी कला थाना अहरोरा जनपद मिर्जापुर, दूसरा आनंद प्रिय गौतम पुत्र स्वर्गीय राजकुमार गौतम निवासी पट्टी कला थाना अहरोरा जनपद मिर्जापुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त जावेद उपरोक्त के कब्जे से लूट की घटना कारित करते हुए प्रयुक्त एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर में एक अदद जिंदा कारतूस व लूट की धनराश 3,550 रुपये तथा अभियुक्त आनंद प्रिय गौतम उपरोक्त कब्जे से 4,520 रुपये बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना अहरोरा में 111/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्त जावेद व आनंद प्रिय गौतम द्वारा लूट की घटना को स्वीकार करते हुए बताया गया कि वे दिनांक 20 जून 2023 की रात्रि अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर अवैध तमंचे से डरा धमकाकर चार पहिया सवार एक परिवार से लूट की घटना को अंजाम दिए थे, जिससे प्राप्त धनराशि को तीनों ने आपस में बांट लिए थे। आइए सुनते हैं कि इस घटना के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीकांत प्रजापति क्या कह रहे हैं। थाना अहरोरा क्षेत्र में एक माँ और बेटे जा रहे थे, जिसमें उनसे तीन व्यक्तियों के द्वारा लूट की गई थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना की पुलिस और सर्विलांस तथा जो हमारी स्वाट और एसओजी की टीम है उसके द्वारा कार्रवाई करते हुए लूटी गई संपत्ति और जो अभियुक्त थे दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके एक तमंचा बरामद किया गया है और जो उनसे जो लूटी गई संपत्ति थी करीबन 8,070 रुपये बरामद किए गए हैं। एक अभियुक्त अभी इसमें फरार चल रहा है, जिसकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।